अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पानी पूरी की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार होती है। अक्सर हमें घरों में बनाना चाहिए, तो सभी मिलकर खाने से बहुत और खुशी होती है। तो चलो बनाएंगे। और ले लिया है बाज़ार से रेडीमेड ये पापड़। अब हम इसको सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। तो हम स्टोव ऑन करके इसमें बिस्मिल्लाह, हमने ले लिया है ऑयल। हमारा तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे पूरियां। गर्म होने के बाद तेल उसको आंच मीडियम फ्लेम में कर देना चाहिए, वरना ठीक नहीं होंगे। देखो कैसे पक रहे हैं, अच्छे से फूल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना है, अच्छे से ऐसे ही होना चाहिए। हम इसमें रख लेंगे क्योंकि अब्जर्व होते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसलिए हम फ्लेम को कम कर देना है, क्योंकि जल जाएंगे ज़्यादा रखने से। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। हमारे सारे फूके रेडी हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखो। हमारे गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं, हमने फ्राई कर लिए हैं सारों को। अब हम चलते हैं पानी पूरी का मसाला कैसे बनाते हैं। तो शुरू अभी हमने ले लिया है इतनी सी हरी धनिया यानी कि कथीमीर, और इतना मुट्ठी भर कर पुदीना ले लिया है मिंट्स, और 4 से 5 हरी मिर्च ले लिया है हमने, और अदरक 1 इंच की हरी ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इमली, जो हमें घर रेगुलर यूज़ करते हैं, उसमें का भिगाकर हमने ऐसे इसे अच्छे से पानी निकाल लिया है। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, इतना सा डाल लिया है। अब हम करेंगे ग्रेन, तो इसको कर लेते हैं। अब हम इसको छान लेंगे क्योंकि हमने पीस लिया है अच्छे से। अच्छे से छान लिया है हमने इसको। अब हम इसको भी मसाले में यूज़ करेंगे, जो हमारे पटाटो हैं इसमें आलू। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 लीटर पानी डालेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आपके स्वाद अनुसार आप डाल लेना। हम इसमें 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1/4 स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, और हम डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा हम इसमें काला नमक भी डाल देंगे, 1 चम्मच हम टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, और हम इसको सब अच्छी तरह से पूरे मसाले को मिला लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो हम इसको सारे से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि कोई भी लम्स ना रहे जो हमें पाउडर डाले हैं वो। इसको अच्छे से हम ऐसे हला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सारे मसाले मिल सके। हल चुका है अच्छे से। हमने आलू को बॉईल कर रख लिया है, तो हम इसको इतने से रख लिया है। अब हम इसको मैश करेंगे हाथों से ही अच्छे से। सारे आलूओं को ऐसे ही हम मैश कर लेंगे।
सारे आलू को मैश कर लिया है। हमने मटर को, फ्रेश मटर है ये, अच्छे से उबाल कर रख लिया है, तो हम इसी को भी इसमें मिला देंगे। इसका भी बहुत अच्छा पानी पूरी में जायका आता है, तो हम इसको सब मिला लेंगे। तो हमने ऑनियन डाला है, चॉप कर लेते हैं मीडियम का, उसमें थोड़ी सी ऑनियन डाल देंगे हम इसी। और अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे, हमने छान कर रख लिया था वो पानी पूरी वाला मसाले का, इसमें थोड़ा सा हम इसमें भी ऐड करेंगे, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे, जीरा पाउडर हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे, चिल्ली फ्लेक्स इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम, और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने आलू में उबालते वक्त डाला था, इसलिए हम थोड़ा ऐड करेंगे नमक। अब हम इसको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़ी सी हमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता। और अब हम इसमें डालेंगे पूरी होती है, इसको हम ऐसे ही मैश करके डालेंगे, इसमें भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी और एक पूरी लूँगी, इन सब को मिला लेकर रख लेंगे। बहुत अच्छी होती है घर में बनी हुई पानी पूरी, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया हो तो कर देना, और बेल का बटन भी दबा देना। अगर आपको मीठा होना चाहिए तो आप गुड़ का ऐसा घोल बनाकर डाल सकते हो, क्योंकि हमें मीठा चाहिए इसलिए हम ऐड करेंगे। खट्टा मीठा बहुत अच्छा रहता है, उनको ऐसा करके इसमें फिलिंग करके दिखाएंगे। अब हम फिलिंग कर लेंगे पूरियों को, और अब हम इसमें पानी को ऐड कर लेंगे इस तरह से, ऐसे ही सारे पूरियों को भर लेंगे ऐसे ही। हमारी पानी पूरी की प्लेट, शाही प्लेट तैयार हो चुकी है, बहुत खाने में मज़ा होती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमें लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।